आजकल लोगों में किडनी को लेकर काफी गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते कई लोग असहनीय दर्द सहने को मजबूर हैं। वहीं जानकारों की माने तो किडनी की बीमारी आगे चलकर खतरनाक बन सकती है। इसे दूर करने के लिए अपनी डाइट में ऐसी 5 सब्जियां शामिल करना जरूरी है जो किडनी के काम करने के तरीके को आराम से पूरा करने में मदद करे और आगे चलकर स्टोन ना बनाए। तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ सब्जियों के बारे में जो पथरी या स्टोन के हानिकारक प्रभावों को खत्म करने के लिए काफी प्रभावशाली मानी जाती है और डॉक्टर्स भी इन्हें उचित मात्रा में खाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, किडनी की बीमारी के लिए ऐसे कुछ फूड अच्छे माने जाते हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम हो, साथ ही जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं। किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए हम आज आपको ऐसी खास तरह की सब्जियां बताएंगे जिन्हें खाने से स्टोन की समस्याओं में राहत मिलेगी। इनमें सबसे पहले सब्जी का नाम आता है लाल शिमला मिर्च। जी हाँ, जानकारों के मुताबिक लाल शिमला मिर्च कई विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का अच्छा स्रोत है। इनमें पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम की मात्रा कम होती है, इसलिए किडनी की बीमारी हो गई है तो इसे अभी से खाना शुरू कर दें। दिन में 1 से 2 कप खाएं। दूसरी सब्जी है पत्ता गोभी। विटामिन के, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर पत्ता गोभी विटामिन B6 और फॉलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। इसमें पोटेशियम कम होता है, यदि आप डायलिसिस की डाइट में इसे शामिल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तीसरी सब्जी है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक या केला विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। यह किडनी को हेल्दी रखने का कार्य बढ़ाती है। इन सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो किडनी को रक्त छानने के काम को आसान बनाने में मदद करती है। चौथी सब्जी है प्याज। प्याज के अंदर फ्लेवोनॉइड्स और क्वेरसेटिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो किडनी को स्वस्थ रखता है, साथ ही इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो किडनी के लिए अच्छा माना जाता है। हमारी लिस्ट में 5वीं सब्जी का नाम है फूलगोभी। फूलगोभी विटामिन सी से भरी हुई होती है और फॉलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो लीवर में मौजूद गंदे पदार्थों को बेअसर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आपकी हेल्थ से जुड़ी हमारी छोटी सी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई हेल्थ टिप्स के साथ।